लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज नई मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और बढ़ते कोरोना को रोकने तत्काल पर्याप्त इंतजाम करने की मांग की। गणेश नाइक ने शिवसेना नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग गुंडागर्दी के जरिए नई मुंबई से ऑक्सीजन अपने शहर ले जा रहे हैं। उन्होंने आयुक्त से इसकी जांच और कार्रवाई की मांग के साथ ही कोरोना संक्रमितों के लिए उपचार किट उपलब्ध कराने पर जोर दिया। ऑक्सीजन की कमी और कोविड उपचार औषधियों के लिए गणेश नाइक ने 50 लाख की विधायक निधि देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज नई मुंबईकरों को कोरोना से बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। नवी मुंबई में कोरोना का कोहराम मचा है, ऐसे में वैक्सीन, ऑक्सीजन बेड और जरूरी औषधियां उपलब्ध कराने की मांग के साथ आज बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात और चर्चा की। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी जनों को कोविड वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिली है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के भरोसे बैठने की बजाय मनपा को खुद से वैक्सीन उपलब्ध कराने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने आयुक्त से कहा कि आज 37 करोड़ के खर्च से संपूर्ण नई मुंबई में वैक्सीनेशन हो सकता है, इसलिए इसका तत्काल इंतजाम होना चाहिए। गणेश नाइक ने चेतावनी दी कि हम हर हफ्ते आयुक्त से मिलेंगे और मांगों पर कितना अमल हुआ उसका जवाब मांगेंगे। अभी 1 मई से 18 साल के जो युवक है उनको भी वैक्सीन देने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। मैंने आज माननीय आयुक्त महोदय से बोला कि आज के आज ओपन मार्केट में केंद्र सरकार की आने वाली लस यानी वैक्सीन किसको मिलेगी अपने को पता नहीं है। राज्य सरकार खरीदी करेगा नहीं करेगा कोई पता नहीं, लेकिन नई मुंबई के हर घटक को ये वैक्सीन मिलनी चाहिए। इसलिए आप 37.5 करोड़ रुपया खर्चा करके वो बुकिंग करो और जैसा जो वैक्सीन मिलेगा ऐसा 18 साल के ऊपर सब लोगों को देने का शुरू करो। कल जाके जरूरत पड़ी तो 10 साल के 5 साल के बच्चों को भी लस देने की जरूरत होगी, वो भी खरीदी करने के लिए मैंने उनको सूचित किया है। और जो 15 लाख बस्ती में 1 साल का बच्चा भी आता है तो मैं कहता हूँ कि सभी बातों में नई मुंबई 1 स्टेप अहेड है, तो ये बात में भी नई मुंबई 1 स्टेप अहेड रहनी चाहिए और मुझे विश्वास है क्योंकि हर हफ्ता में हम तो मिलने वाले हैं। बीजेपी विधायक ने नई मुंबई में कम पड़े कोरोना उपचार इंतजामों पर आयुक्त की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि हम 4 महीने से लगातार यह बता रहे हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसकी दूसरी लहर खतरनाक हो सकती है और वही हो रहा है। हालात 3 गुना ज़्यादा खराब हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ कागजी इंतजाम दिखा रहे हैं जबकि लोग आरोग्य सुविधाएं नहीं मिलने से जान गंवा रहे हैं। बजट में आरोग्य के लिए 60% फंड रिजर्व रखने की मांग का हवाला देते हुए गणेश नाइक ने कहा कि मनपा ने यह काम भी नहीं किया। गणेश नाइक ने सत्तारूढ़ सरकार के नेताओं पर नई मुंबई प्रशासन को भटकाने और कोरोना से ध्यान हटाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आज हालात खराब होते जा रहे हैं। 4 महीना पहले जब मीटिंग हुई तो मैंने कहा था कि भाई ये कोरोना 99% गया ऐसा लग रहा है, लेकिन 1% है वो इधर आजू बाजू में घूम रहा है। अपने कोविड सेंटर, वहाँ के डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय, वहाँ के सादे कॉट्स, ऑक्सीजन कॉट्स, वेंटिलेटर, इसकी मरम्मत करके रखो। ये बजट में जो भी प्रावधान किया है उसमें प्रशासकीय खर्चा छोड़ के जो बचेगा उसमें 60% हेल्थ में यूटिलाइज करो, बाद में उसमें से 30% एजुकेशन में करो, बाद में बचा वो प्री मानसून के लिए करो। और जो आज के तारीख में जो स्वच्छ भारत का अभियान है उसके लिए करो, और कोई नया निर्माण करने के लिए अभी दिमाग मत लगाओ। मैंने ये भी कहा कि इन बिटवीन 2-4 महीने में कहीं बाहर के शक्तियाँ ये प्रशासन को और काम में लगाने के लिए बहुत बिजी थी और इसके वजह से प्रशासन का जो ध्यान कोविड के ओर होना चाहिए था वो तो दुर्भाग्यवश नहीं हुआ और उसका कारण ये आज स्थिति सरकी बनी हुई। पूर्व मेयर जेडी सुतार, सुधाकर सोनाव ने बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व विधायक संदीप नाइक, दशरथ भगत समेत कई पदाधिकारियों के साथ चर्चा में बैठे। गणेश नाइक ने नई मुंबई की ऑक्सीजन कंपनियों से गुंडागर्दी के दम पर ऑक्सीजन बॉटल बाहर ले जाने पर नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि नवीनबाई का ऑक्सीजन सबसे पहले नवीनबाई करों को मिलना चाहिए, इस पर गुंडागर्दी शोभा नहीं देती। उन्होंने ऑक्सीजन कंपनियों में निगरानी और सुरक्षा के लिए मनपा अधिकारियों की नियुक्ति करने की भी मांग की। गणेश नाइक ने बेहतर कोरोना उपचार सुविधा के लिए 50 लाख की विधायक निधि देने की भी घोषणा की। मी आमदार फंडामधून नवी मुंबई शहरामध्ये ऑक्सिजन निर्माण करणारं सेंटर उभं करण्याकरता सुरुवातीला 50 लाख रुपये सांगितले होते, त्या ठिकाणी 25 लाखामध्ये ऑक्सिजन उभारणी सेंटर तयार होऊ शकतं आणि त्याच्या सिलेंडरकरता आणखी 25 लाख रुपये, असे 50 लाख रुपये आमदार फंडामधून महापालिकेला देण्यात यावे असे जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही पत्र लिहिलेलं आहे, त्याची प्रत मी ऐकताना दिलेली आहे। मैंने कमिश्नर जी को मैंने बोला है कि इससे हमारी मीटिंग खत्म होती है, आप अधिकारी को बुलाओ, अधिकारी को ऑक्सीजन निर्माण करने वाले कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने को लगा, उनको एश्योर करो, उनको प्रोटेक्ट करो, उनको बोलो और प्रोडक्शन निकालो, हमारे शहर की जो गरज है रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो और आजू बाजू के शहर को भी सप्लाई करो। लेकिन कोई गुंडागर्दी से यहाँ पे आके लोक प्रतिनिधि हो या कोई पार्टी का नेता भी हो आके यहाँ से कोई ऑक्सीजन लेके जाएगा तो ये शहर के लिए शोभादायक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।